Good morning, dear friends, and what a joy for us to be together again for these few moments of meditating on God's word. सुप्रभात मेरे मित्रों, और कितना धन्यवाद और कितना ही एक अच्छा समय हमारे लिए है कि फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन पर कुछ क्षण के लिए मनन कर सकते हैं. And many of you who are regular listeners, you have missed on last Saturday. I am sorry about it because I was out of station for more than a week. That's what happened. और आप में से जो लगातार हमारे मननों इस मनन को सुनते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, पिछले शनिवार को पिछले हफ्ते हमारा मनन नहीं आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उस हफ्ते में मैं उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे राज्य में किसी सेवकाई कार्यवर्ष था. And to all of you who are listeners to these meditations whenever it comes 3 days a week, I greet you in the name of Jesus and I pray that the Holy Spirit will truly speak to you today. और आज मेरी प्रार्थना आज के दिन यही है कि आप में से जो निरंतर इन मनन से मेरे जो तीन हफ्ते में तीन दिन ये मनन आता है इनसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे और आज की सुबह हमसे बात करे. And today's meditation is on faith in the resurrection. और आज के मनन का शीर्षक है पुनरुत्थान पर विश्वास. Based on the gospel according to St. Luke chapter 24 verses 25 and 26. और इसके आधार पर हमने जिस वचन को लिया है वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 25वां और 26वां वचन. It says here these are the words of Jesus to the two disciples on the day of his resurrection, traveling from Jerusalem to Emmaus. और ये यीशु मसीह के शब्द या वार्तालाप है उन दो चेलों के साथ जब यीशु मसीह उनके संग प्रस्तुत हुआ उनके साथ उनकी यात्रा में. It says here, and he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक ना था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? So I begin our meditation with a question. और मैं अपने मनन की शुरुआत आज की सुबह एक प्रश्न से करूंगा. How does faith in the resurrection come? कि कैसे पुनरुत्थान में वो विश्वास आता है? Faith in resurrection comes not from seeing an empty tomb. और याद रखिए, पुनरुत्थान पर विश्वास इस बात से नहीं आता या ये करने या उस खाली कब्र को देखने से नहीं आता. But faith in the resurrection comes from believing the scriptures. लेकिन पुनरुत्थान पर विश्वास तो तब आता है जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं. And Jesus' word about his mission. और यीशु ने जो अपने उद्देश्य के बारे में बताया. Don't you remember what Apostle Paul says in Romans, how faith comes? और क्या आपको याद नहीं है कि पौलुस प्रेरित किस प्रकार रोमियो की पत्री में इस बात को लिखता है कि कैसे विश्वास आता है? He says faith comes from hearing, and hearing from the word. और वो लिखता है कि विश्वास आता है सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से. And my friends, there is no other way your faith can grow and your faith can become strong. और मेरे मित्रों, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ सके या आपका विश्वास और मजबूत हो जाए. Important message. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है. A lesson Jesus had been trying to teach throughout his earthly ministry. और एक ऐसी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह अपनी पृथ्वी पर जो सेवकाई करी उस पूरे सालों में इसी शिक्षा को वो देना चाहता था. The reason these two disciples were failing the way they were feeling or feeling the way they were feeling was attributed to their own foolishness. और वो कारण जिस कारणवश ये दोनों चेले वो बातें महसूस कर रहे थे जो उनके भीतर चल रही थी वो इस कारण था क्योंकि वो उनकी अपनी मूर्खता थी. And Jesus said so. और यीशु ने ऐसा ही कहा. It was their own foolishness. ये तो उनकी ही मूर्खता है. That they became so despaired and almost giving up hope. कि वो इतने निराश हो गए और यहाँ तक कि आशाहीन बन गए. While everything they needed to believe
was already spoken by the prophets in the old. जाकि बल्कि दूसरे हाथ पे हर एक बात पर जिन्हें उन्हें विश्वास करना था, हर एक वैसी बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में दे दी गई थी. So that's lead me to ask another question. और ये बात मुझे एक और प्रश्न को पूछने के लिए ले जाती है. Why doesn't Jesus just drop every blessing in a bucket? क्यों नहीं यीशु हर एक आशीष को एक टोकरी में जमा करके नीचे गिरा देता है? Why? क्यों नहीं वो ऐसा करता? When you need healing, जब आपको चंगाई की आवश्यकता है, here comes, तब वहां तुरंत ही चंगाई आ जाती है. It doesn't come. लेकिन ऐसा नहीं है. Victorious living doesn't come. और जयवंत जीना भी नहीं आता है. It is no magic. और ये कोई जादू नहीं है. Magic is not real. और याद रखिए जादू सत्य नहीं है. It is unreal. ये तो वास्तविक है ही नहीं. Jesus walked with these fellows and saw how miserable they were feeling. और यीशु इन चेलों के संग चला और यात्रा की और देखा कि कैसा दुखी और निराश ये महसूस कर रहे थे. Neither did Jesus show any kind of sympathy for them. और ना कि यीशु ने ना तो उनके लिए किसी भी प्रकार का सद्भावना दिखाया. On the other hand, लेकिन दूसरे हाथ पर he rebuked them, उन्हें डांटा, criticized them, और उनकी आलोचना की and told them, और उनसे कहा that they were to blame themselves, और कि उन्हें खुद पर दोष लगाना है. For the way they were feeling, it was their fault. और जिस तरीके से वो महसूस कर रहे थे ये तो उन्हीं की गलती है. Unbelief is not a matter of evidence. और याद रखिए विश्वास इस बारे में नहीं है कि जो कुछ साबित किया जा सके. It is a matter of faith. ये तो विश्वास या भरोसे के बारे में है. No amount of evidence or proof can convince a sinful heart. और याद रखिए किसी भी प्रकार का सबूत एक पापी हृदय को कायल नहीं कर सकता. If it were so, अगर ऐसा हो सकता, then the whole nation of Israel would have been filled with believers in Jesus Christ as Messiah. और अगर ऐसा हो सकता तो यीशु मसीह के समय पूरा इज़राइल विश्वासियों से भर जाता, यीशु मसीह को मसीहा के रूप में ग्रहण करते हुए. Because they had all the evidence that they needed to be convinced that Jesus truly is the Messiah. क्योंकि उनके पास वचन और शास्त्रों से वो सारे सबूत मौजूद और हाजिर थे कि हाँ यीशु ही वो मसीहा है. But they refused. लेकिन उन्होंने नहीं माना. Why? क्यों? Because evidence will not convince you, but it is faith. क्योंकि in God's word. ये सबूत आपको कायल नहीं करता, लेकिन आपका विश्वास है परमेश्वर के वचन पर जो आपको कायल करता है. Because they had seen Jesus performing miracles. क्योंकि उन्होंने यीशु को महान चमत्कारों को करते हुए देखा. Multiplying bread. और रोटी को दुगना तिगना और बढ़ाते हुए देखा. Healing the crippled. और लंगड़े और कोढ़ियों को चंगे करते and हुए. Making the lame to walk again. और जो लंगड़ा था उसे फिर से चलाते हुए देखा. And raising the dead, और मरे हुओं को जिलाते हुए देखा. And giving sight to the blind, और अंधों को आंखें देते हुए देखा. These were the evidences to convince them that yes, here is the Messiah. और ये वो सारे सबूत हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि हाँ ये है मसीहा. And these evidences were given very clearly in the scriptures that when Messiah comes, he will be performing all these kind of miracles. और ये सारे चमत्कारों और चिन्हों के बारे में वचन में लिखा हुआ था कि जब मसीहा आएगा तो इन प्रकार के चिन्हों और चमत्कारों को करेगा. That is why when John the Baptist sent two disciples to inquire, Master, are you the one whom we are waiting, or should we wait for somebody else? और इसीलिए जब यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दो चेलों को अपने यीशु के पास भेजा ये पूछने के लिए कि स्वामी क्या तू ही वो मसीहा है जो आने वाला है या हम किसी और का इंतजार करें? What was his answer? उसका उत्तर क्या था? You go back and report this thing to John. तू वापस जा और यहुन्ना को इन सारे चिन्ह और चमत्कारों के बारे में जानकारी दे. उन्हें उस बात की जानकारी यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को देनी थी जो उन्होंने देखा और सुना. And they both
have heard and seen. और दोनों ने ही देखा और सुना. Jesus said, यीशु ने कहा, the blind received their sight, कि अंधों ने आँखों को पाया, the lame walk again, और लंगड़े फिर से चले, the crippled are healed, और जो कोड़ी थे वो चंगे, कुबड़े जो थे वो चंगे हो गए, lepers are cleansed, और जो जिनके अंदर वो छूने वाली बीमारी या कोड़ था वो चंगा हो गया, and the dead are raised, और जो मरे हुए थे वो जिला दिए गए. These are the things they saw. और इन बातों को उन्होंने देखा. And then he said, और तब उसने कहा, what did they hear? What did they hear? और उन चेलों ने क्या सुना? The good news of the kingdom of God is preached to the poor. उन्होंने इस बात को सुना कि कैसे परमेश्वर के सुसमाचार का संदेश गरीबों को सुनाया जा रहा है. And John the Baptist knew better. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भली भांति पता था. So Jesus said, you go and report these things. और इसलिए यीशु ने कहा, ये जाओ वापस और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इन सारी बातों के बारे में बताओ. And the Jewish leaders, the Pharisees and the Sadducees, they all have seen this miraculous happening. और यहूदी अगवे और शासक और शिक्षक सब ने ये चिन्हों चमत्कार देखे. After seeing all that Jesus mentioned, और वो सारी बातें देखने के पश्चात जो यीशु ने बोली, they took him and crucified him. फिर भी उसे ले जाकर उस क्रूस पर लटका दिया और उसको क्रूसित कर दिया. Therefore, इसलिए, to see requires not eyes but eyes of faith. देखने के लिए सिर्फ आंखों की आवश्यकता नहीं लेकिन विश्वास की आंखों की आवश्यकता है. Now, the same resurrected Lord manifested himself, revealed himself to Saul of Tarsus. और याद रखिए, इसी पुनरुत्थान हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को भी खुद का प्रकाशन दिया. While he was on his way to Damascus to persecute and beat up and bring all the followers of Jesus Christ as prisoners. जब वो दमिश्क नामक नगर की ओर अपनी यात्रा पर था ताकि वहां के यहूदी मसीहों को निकाल कर उसने ताड़ना दे, उनका सताव करे और उन्हें मार डाले. But when Jesus appeared to him, लेकिन जब यीशु उसके सम्मुख प्रकट हुआ, he believed and he committed his entire future life into the hand of Jesus. तब उसने विश्वास किया और अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया. How did he do it? वो कैसे किया? Not by seeing, देखने के द्वारा नहीं, but by faith, लेकिन विश्वास के द्वारा. When Jesus appeared, he became, the brilliance of his glory was so blinding, he became blind, literally. जब यीशु प्रकट हुआ तो यीशु का वो ज्योतिमय प्रकाशन इतना ज्योतिमय था कि वो अंधा हो गया. And in that condition, he spoke to the risen Lord. और इस परिस्थिति में उसने जीवित परमेश्वर से बात किया. So he believed not by sight, but by faith. Eyes of faith. और इसलिए उसने देखने के द्वारा शारीरिक आंखों से नहीं लेकिन विश्वास की आंखों के द्वारा विश्वास किया. As a blind man, he asked, "Who are you, Lord?" और उसने अंधा एक अंधा होते हुए परमेश्वर से पूछा, तू कौन है प्रभु? And he heard the voice, "I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting." और उसने इस आवाज को सुना कि मैं यीशु हूँ नाजरत नामक नगर से जिसकी तू ताड़ना करता है या जिसे तू सताता है. So as his physical eyes became blind, his inner eyes of faith. और इसलिए जैसे उसकी शारीरिक आंखें अंधी हो गईं, उसकी मन की आंखें खुल गईं. The necessity of faith was constantly underscored by his words. और याद रखिए, विश्वास की जरूरत हम उसके बार बार उसके वचनों में देखते हैं. He that hath ears to hear, let him hear. वो कहता है, जिसके पास कान है, जो सुन सकता है वो सुने. What does he mean? उसका क्या मतलब है? Everybody has ears. सबके पास कान है. But he is not referring to those ears. लेकिन वो उन कानों के बारे में बात नहीं कर रहा. Their inner ears. लेकिन वो बात कर रहा है उन अंदरूनी कानों के बारे ears में. Of faith. और वो विश्वास के कान. Jesus talking to the two disciples. और यीशु दो चेलों से बात करता हुआ. Used the word all that the prophets have said. उसने इस वाक्य का प्रयोग किया, वो सारी बातें जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की. It is important. और ये महत्वपूर्ण है. Jesus criticized them because they have read the scriptures and seen his miracles. और यीशु ने उनकी आलोचना करी क्योंकि उन्होंने वचनन को पढ़ा था और उसके चिन्ह चमत्कारों को देखा था. But what did most of the Jews लेकिन ज्यादातर यहूदियों ने क्या किया? Most of the Jews had
concentrated only those scriptures that promised a time of blessings. और ज़्यादातर यहूदियों ने सिर्फ उसी वचन पर ध्यान देना जरूरी समझा जो एक आशित समय की बात करता है. Prosperity, समृद्धि, deliverance, छुटकारा. These were the things they expected when Messiah came. और वो इन्हीं बातों की आशाएं लगाए हुए थे कि जब मसीहा आएगा तो छुटकारा मिलेगा, समृद्धि आएगी. They have ignored the idea of a suffering servant. लेकिन उन्होंने इस विचार को पूर्ण रीति से तिरस्कार कर दिया कि एक कष्ट उठाने वाला दास के रूप में भी मसीहा आ सकता है. Of the experience that the Messiah would go through, और वो भाग मसीहा का जो वो अपने जीवन में हो करके निकलेगा, they simply refused to accept it. उस भाग को उन्होंने विश्वास करने या ग्रहण करने से मना कर their दिया. Own prophets in their scriptures have foretold that this thing would. और उन्हीं के भविष्यवक्ताओं ने उन्हीं के शास्त्रों और वचनों में इस बात की भविष्यवाणी की है. But they refused. लेकिन उन्होंने विरोध किया कि हम विश्वास नहीं करेंगे. That is unbelief. और यह है अविश्वास. It is not merely doubt. और ये सिर्फ संदेह नहीं है. Doubt is no problem. Doubt can be cleared. क्योंकि संदेह अगर हो किसी के पास तो वो दूर किया जा सकता है. But what is unbelief? लेकिन अविश्वास क्या है? Unbelief is a deliberate decision not to believe. और अविश्वास तो ये है एक निश्चित निर्णय कि मैं विश्वास नहीं करूंगा. In order for yourself to be convinced. और अगर आप खुद को कायल करना चाहते हैं, read Isaiah chapters 42-53. तब आप यशया नबी की पुस्तक उसके 42वें अध्याय से लेकर 53 अध्याय तक पढ़ सकते हैं. All these chapters reveal something about the Messiah. ये सारे अध्याय मसीहा के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं. Including that 53rd chapter of Isaiah. और साथ ही साथ वो 53वां अध्याय भी यशया नबी की पुस्तक का. The suffering, dying ministry. जहां पर हम यीशु की कष्ट, दुख और ताड़ना उठाने वाली और खुद को बलिदान करने वाली सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं. The suffering servant. और वो दास जो दुख और कष्ट उठाएगा. It was very clearly and plainly written in. और बड़े स्पष्ट और सीधी रीति से वहां पर यह बात लिखी हुई है. But they refused. लेकिन उन्होंने विद्रोह किया. So whom to blame? तो किस पर उंगली उठाई जाए? You blame it all on yourself. तब आप अपने आप पर इसके अपने आप पे आप पूछे. And my friends, in conclusion, और मेरे मित्रों निष्कर्ष इसका ये this निकलता is what I have to say. ये मैं कहना चाहता हूँ. What you need is not physical eyes to see, but a spiritual eyes to see the spiritual truth and believe in the truth. और आपको जिन आंखों की आवश्यकता है वो शारीरिक आंखें नहीं, लेकिन आत्मिक और मन की आंखों की, विश्वास की आंखों की आवश्यकता है, ताकि आप सच्चाई को देखकर, जानकर उस पर विश्वास करने पाए. So Christian faith is not based on evidence. और इसलिए याद रखिए, मसीही विश्वास सबूतों पर आधारित नहीं है. It is faith. ये तो विश्वास है. In the scriptures. और वचन के आधार पर. The Bible says so. और वचन ऐसा ही कहता है. And I believe. और मैं विश्वास करूंगा. The Bible tells so. और वचन ऐसा बताता है. And I believe. और इसीलिए मैं विश्वास करूंगा. God's word. परमेश्वर का वचन. Again, is unchanging as God is unchanging. और जैसे परमेश्वर नहीं बदलता, वैसे उसका वचन भी नहीं बदलता. God's word. परमेश्वर का वचन. Is eternal as God is eternal. अनंत काल तक है जैसे परमेश्वर अनंत काल तक है. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you read God's word. जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं. Sometimes there are portion you may not understand. हो सकता है कुछ ऐसे वचन या भाग आ जाए जिनको आप समझ नहीं पाते. But simply because the Bible tells you. लेकिन क्योंकि साधारण रीति से वचन आपको बताता है. Accept it. उस पर विश्वास करें, ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें. Then you will begin to reap the harvest of that faith. और उसके पश्चात आप इस विश्वास की फसल को काटने पाएंगे. Then you will know. और तब आप जानेंगे. That it is true. ये सत्य है. God bless you as you live. और आप जैसे आप जीते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष. And live and believe. और जीते हैं और विश्वास करते हैं. Let this day be a new day for you. और होने दे नया दिन आपके लिए, एक नया दिन हो. Holy Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा. We need the Spirit's blessing and help that we may see the truth
in your word. पिता हमें तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, उसके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि तेरे वचन की सच्चाई को हम देखने पाए. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is a great day. Have a wonderful day of victory. और एक महान दिन है और एक अद्भुत दिन जयवंत में विजय में आपका बीते. Amen. Amen.